हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज टू गेट अ जॉब के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको जो है कंप्यूटर कोर्सेज में इंटरेस्ट है, आप जो कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं और आपको जो है जॉब भी चाहिए उसके थ्रू, तो गाइस इस वीडियो में हम जो है बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज लेके आए हैं जो आप आसानी से करके जो है जॉब ओरिएंटेड जॉब्स रहेगी, सारे के सारे जो कोर्सेज है जॉब ओरिएंटेड है, यानी कि उस कोर्स को करने के बाद आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। और गाइस, आपका अगर करियर आप जो कंप्यूटर फील्ड में बनाना चाहते हैं आईटी फील्ड में, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि अभी आप लोगों को जितने भी डाउट्स है कंप्यूटर कोर्सेज के रिगार्डिंग या बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज कौन से हैं, आपको ये सारे के सारे डाउट्स हैं, तो मैं उस डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज टू गेट अ जॉब के रिगार्डिंग जिस तरह हमने वीडियो बना के आपको अपडेट किया, आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, उसी तरह से अगर और कोई नया वीडियो हम बनाते करें गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो हम आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानना बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज टू गेट अ जॉब के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज टू गेट अ जॉब, सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारे के सारे मेजर टॉपिक्स है जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारी के सारी अगर चीज़ें आप खुद मैनुअली भी चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी उस लिंक पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे आके सारी के सारी चीज़ें जो डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि स्टूडेंट्स को जो अपना कोर्स है वो खुद से सेलेक्ट करना चाहिए, और इस टाइप का कोर्स स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो, यानी कि कोई भी उन्हें जो कोर्स कोई भी किसी के कहने पे, किसी के पेरेंट्स के या किसी दोस्त के कहने पे उन्हें जो है सिंपली कोर्स सेलेक्ट नहीं कर लेना चाहिए। कोर्स सेलेक्ट करने के पहले उन्हें पूरी तरह से एनालाइज करना चाहिए कि वो कोर्स क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है कि नहीं, यानी कि उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो जॉब मिल सकती है, यानी हर एक चीज़ आपको फुल डिटेल में देख लेनी चाहिए। और गाइस, नाउअडेज जो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर पे जो है, मैन एंड वुमेंस दोनों, यंग मैन वुमेन जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है दौर से गुजर रहे, तो गाइस ऐसे टाइम में आपको एक ऐसा कोर्स करना जहाँ जिसके थ्रू आपको जो है गारंटी ईजी जॉब्स मिल जाए वो बहुत ही टफ होता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने आपके लिए इसी तरह के कोर्सेज जो है चूज करके लाया है जहाँ से आपको कंप्लीट करते ही, जिस कोर्स का कंप्लीट करते हैं आपको आसान से जॉब मिल सकती है। सो गाइस, इंडिया में जो आईटी फील्ड जो है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। अब बात कीजिए 2012 की, तो गाइस 2012 में जो रेवेन्यू था आईटी एक्सपोर्ट का वो मोर देन 100 बिलियन डॉलर था मोर देन। तो गाइस, आप अंदाजा लगा सकते कितना फास्ट ग्रोथ जो है आईटी फील्ड का अभी फिलहाल हो रहा है। उसी तरह से गाइस, यहाँ पे जो भी कोर्सेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोर्सेज ज़्यादातर जो है बहुत ही शॉर्ट कोर्सेज रहते हैं, मीन 6 मंथ टू 1 ईयर के कोर्सेज रहते हैं, और उसके जो एडवांटेजेस भी रहते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लंबे पीरियड नहीं रहते, शॉर्ट पीरियड्स के जो कोर्सेज रहते हैं, और उसके बावजूद आपको जो उसमें जो जॉब भी आसानी से मिल जाती है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे करियर ऑप्शंस क्या क्या कंप्यूटर कोर्सेज में, लाइक वेब डिजाइनिंग, वीएफएक्स एंड एनिमेशन, हार्डवेयर एंड नेटवर्क कोर्सेज हो गया, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेज, टैली, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड टाइपिंग कोर्सेज, डिप्लोमा इन आईटी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्सेज, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, ये सारे के सारे गाइस आपके करियर ऑप्शंस हैं कंप्यूटर कोर्सेज में। अब हम एक एक करके गाइस जो भी टॉप कंप्यूटर कोर्सेज है इंडिया में सारे के सारे एक एक करके फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज के मैंने आपको नाम बताया हर एक की डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो है वेब डिजाइनिंग, तो गाइस वेब डिजाइनिंग जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है क्योंकि आप जो है उसमें इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, आप खुद वेब डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद जो है न्यूमेरस एलिमेंट लाइक क्रिएटिंग और मेंटेनिंग वेबसाइट्स आप कर सकते हैं, आप अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं लाइक HTML, PHP, JavaScript, Java, बहुत सारी और भी अलग अलग लैंग्वेजेस, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस आप सीख कर सकते हैं। और इसी के साथ इसकी जो फीस की बात की जाए तो जो है जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो आपको हायर कर सकते हैं लाइक अरीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हो गया। तो गाइस, जो आपकी फीस भी है इसमें जो आपकी सैलरी भी वेरी करती है इंस्टीट्यूट कहाँ पे जॉब कर रहे कहाँ पे, या फिर अगर आप जो है सीख रहे इस कोर्स को तो इसकी जो फीस रहेगी वो भी डिपेंड करती है कि किस इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे हैं। और गाइस, ये जो कोर्स है वो 1 ईयर का कोर्स है, प्रोफेशनल वेब कोर्स है यहाँ पे, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दी जाएगी वेब डिजाइनिंग में। और उसके पास गाइस ये जो है 3 से 6 मंथ के जो है और भी बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज रहते हैं, प्रोफेशनल वेब डिजाइनिंग कोर्सेज जो है 1 साल आपको जो है बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट मीन्स बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉर्पोरेशन में जो है जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं।
अब गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे VFX एंड एनिमेशन कोर्सेज के बारे में। सो गाइस ये जो टॉपिक है इसमें जो विजुअल इफेक्ट हो गया, एनिमेशन हो गया, 3D टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इस कोर्सेज में आपको सिखाई जाएगी। इस कोर्सेज में आपको ये सारी की सारी चीज़ों से डील करना होगा। और उसी के साथ गाइस जो है VFX और एनिमेशन के जो प्रोफेशंस का जो डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, वो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतते जा रहा है। और उसी के साथ अगर आप में जो एक्सेलेंट क्वालिटी है, अगर आप जो अच्छी तरह से VFX एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो एनिमेशन कोर्सेज जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और इसकी जो फीस है गाइस वो इंस्टीट्यूट वेरी होती रहती है, यानी कि हर इंस्टीट्यूट की जो अलग अलग फीस रहती है। एनिमेशन आर्टिस्ट और प्रोफेसर जो रहते हैं गाइस उनका डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका जो है डिमांड जो है वो डे बाई डे इंक्रीज ही होते रह रहा है। क्योंकि पीपल जो है जो लोग हैं वो मूवीज़ देखना भी बहुत पसंद करते हैं, तो मूवीज़ में भी गाइस जो है ग्राफिक और VFX की जो ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए जो VFX और एनिमेटर्स जो रहते हैं उनका जो है डिमांड इंक्रीज़ होते ही जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेज की। सो गाइस इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सारे कोर्सेज से इस कोर्स से जो है अवेयर रहेंगे, यानी कि इस कोर्सेज के बारे में पहले भी उन्होंने सुना रहेगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग में भी बहुत बार देखे होंगे, न्यूज़पेपर टेलीविजन में देखे होंगे, और वो मींस बहुत बार प्रॉमिस भी करते हैं कि आप लोगों को जो है जॉब भी गारंटी की जाएगी, अगर आप जो हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से आपको जॉब भी दिलाया जाएगा। सो गाइस जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट रहते हैं आपको वहाँ से ही ये सारे के सारे कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि वो सही में आपको जो आपका कोर्स होने के बाद आपको जो जॉब भी जो वेरीफाई और जॉब भी दिलाते हैं। अगर आप जो अगर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग करते तो वो ऑलमोस्ट लाइक जेट के इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे कि वो किस तरह से उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, यानी कि अगर आप जो है जैकिंग में मींस अगर आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है उनके द्वारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही कोर्सेज के लिए, तो उसी तरह से गाइस बहुत सारे न्यूमरस IT इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप भी मिल सकता है। अगर आप चाहे तो अपना खुद का स्मॉल बिजनेस भी बाद में स्टार्ट कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोर्सेज के बारे में। सो गाइस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है लर्न करने पड़ेगी, लाइक जावा हो गया, C++, और भी बहुत सारी लैंग्वेज रहती है वो आपको सीखने पड़ेगी। उसके बाद आप चाहे तो आपका जो डिमांड IT कंपनीज में अपने आप जो है बन जाएगा गाइस। और अगर आप जो है कोई सॉफ्टवेयर कोर्सेज करते हैं तो उसके बाद जो है आप सबसे जो बेस्ट वो NIIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी है, वो सबसे बेस्ट है गाइस। वहाँ से आप वो ऑल ओवर इंडिया में जो स्प्रेड किया हुआ है वहाँ से आपको जो वेरियस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहाँ पर आप आसानी से जो है कोर्सेज जो है वो कम्प्लीटली सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस टैली की। सो गाइस ये जो टैली होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं, सिंपली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको सिखाता है किस तरह से जो टैली यूज़ करना आप आसानी से सीख सकते हैं कहीं भी। और टैली बहुत ही ट्रस्टली यूज़ किया जाता है, बहुत ही बड़े बड़े फर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट स्टोर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, ट्रांसफर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी वगैरह में बहुत सारी जगहों पर टैली यूज़ किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर गाइस जो है अपडेट होते जा रहा है टाइम टू टाइम, और उसे जो है सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है टैली नहीं ऑपरेट कर सकता है, जो सीखा रहेगा टैली वही इसे जो ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप टैली सीखे रहेंगे तो कैसे आपको जो है प्राइवेट फर्म्स में जो है जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज। सो गाइस जैसे ही जैसे आपको पता है कि आजकल जो हर एक काम जो ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में ही होते हैं, तो गाइस जिस तरह से अच्छा है कि जैसे कि आप जो है बैंकिंग पेमेंट, बिल पेमेंट, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो वो जितना आपके लिए कन्वीनियंट है उतना ही ज़्यादा गाइस डेंजर भी है, क्योंकि जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आपके ऑनलाइन बहुत सारे हो सकते हैं, साइबर क्राइम्स हो सकते हैं आपके साथ, साइबर क्राइम भी डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है। सो गाइस उसे प्रिवेंट करने के लिए या फिर अगर आपके पास कोई फ्रॉड होता है ऑनलाइन फ्रॉड तो उसे पकड़ने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड टाइपिंग कोर्सेज। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कोर्स है और बहुत ही ज़्यादा इजी कोर्स है, आपको इसमें सिंपली जो है गाइस कंप्यूटर्स के बारे में सिखाया जाएगा और MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Office का हर एक जो सॉफ्टवेयर वो सिखाया जाएगा और आपको जो है टाइपिंग सिखाई जाएगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डिप्लोमा इन IT के बारे में। सो गाइस जो स्टूडेंट ने 10th पास आउट कर चुके हैं और वो जो डिप्लोमा करना IT में, तो गाइस ये डिप्लोमा और IT 3 इयर्स का कोर्स रहता है, आप चाहे तो डायरेक्टली डिप्लोमा और IT कंप्लीट कर सकते हैं 10th के बाद डायरेक्टली, और आप चाहे तो 12th के बाद भी आफ्टर 12th साइंस ये कोर्स विद मैथमेटिक्स आपको कंपलसरी रहना चाहिए, ये कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं। इसका जो कोर्स है वो प्रीटी थोड़ा लॉन्ग है दूसरे कोर्सेज के कंपेरेटिवली, पर इसमें जो आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है IT सेक्टर के अंदर, आपको हर एक चीज़ जो है डिटेल में सिखाई जाती है। और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो बैचलर्स का जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं लेटरल एंट्री, या फिर डिप्लोमा इन IT होल्डर्स भी आप जो है
अगर आपका डिप्लोमा इन आईटी होल्डर है, आप डिप्लोमा आईटी होल्डर हो, तो आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में भी जो है डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो गाइस जिस तरह से हमने अभी ऊपर बात की थी, उसी तरह से ये जो है ट्रेडिशनल डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर साइंस के लिए, ये भी जो है 3 ईयर्स का कोर्स है। आप चाहे तो 10th के बाद डायरेक्टली इसे परस्यू कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 चाहिए, और 12th के बाद आप करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम रहना चाहिए विद मैथमेटिक्स। और बात की जाएगा इस कोर्स में तो जो सॉफ्टवेयर टॉपिक्स कौन से कवर होंगे, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैपटॉप एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको कंप्यूटर साइंस में, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में सिखाए जाएंगे। एक बार आप डिप्लोमा कोर्स अगर कंप्लीट कर ले तो आप जो बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री भी जो है ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो आपको लेना हो तो, या फिर आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा होल्डर है आईटी होल्डर, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्सेज। सो गाइस ये जो कोर्स है वो टाइपिंग स्किल्स के ऊपर है, और जनरली आपको सिंपली जो डाटा एंट्री स्किल रहनी चाहिए, यानी कि आपको इसमें हाई प्रोफाइल कोर्स की ज़रूरत नहीं रहती, आपकी सिंपली टाइपिंग स्किल फास्ट रहनी चाहिए, एक्यूरेसी रहनी चाहिए, और इसका जो कोर्स का जो पीरियड रहता है वो मोस्टली 6 मंथ का ही रहता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस की। सो गाइस जो लोग सॉफ्टवेयर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर कोर्सेज के बारे में जो है पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर हार्डवेयर मेंटेनेंस कोर्सेज को टोटली कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, और उसमें जो है कॉमन इश्यूज भी आते हैं जिसमें आपको जो है रिपेयरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस स्टूडेंट के जो डाटा रहते हैं कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, ये सारे के सारे उन्हें जो ट्रेन किया जाता है किस तरह से जो है रिपेयर करना है कंप्यूटर हार्डवेयर को, या और अगर आप जो है नेटवर्किंग में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज, यानी कि आपको हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग टॉपिक जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो भी आपको कोर्स आप चाहे तो वो भी कंप्लीट कर सकते हो, उसमें भी आपको जो अच्छी जॉब मिलने के चांसेस है। आप जो है GPT कोर्स कर सकते हैं, CCNA, लैंड कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एथिकल हैकिंग कोर्सेज, और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, काफ़ी सारे जो है जॉब्स ओरिएंटेड कंप्यूटर कोर्सेज आपको जो है मिल सकते हैं। अब गाइस आप नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे top 5 best कंप्यूटर कोर्सेज बुक्स के बारे में। यहाँ पे गाइस हमने जो है 5 best कंप्यूटर कोर्सेज की बुक्स लिस्ट कर दी, आप चाहे तो सिंपली उस पर क्लिक करके डायरेक्टली Amazon पे चले जाएंगे और वहाँ से आप आसानी से जो बुक्स है उसे बाय कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज टू गेट अ जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, हमने हर एक चीज़ डिटेल, हर एक कोर्स जो है फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।